मैं हूँ डॉक्टर सुमेधा और आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। समर्स चल रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जिस वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है और हम डिहाइड्रेटेड हो जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी कम पीने से ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टी आने से या बार बार डायरिया होने से और ज़्यादा यूरिन पास करने से भी हो सकता है। और डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ में क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है, पफिनेस आ जाती है। कुछ पर्सन की आइज अंदर चली जाती है, इसको बोलते हैं कि आइज गड्ढी में चली गई हैं। तो कई तरह के सिम्टम्स होते हैं डिहाइड्रेशन के। और हाँ, हम वीक फील करते हैं, हमको कभी कभी लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं पर्सन टू पर्सन। तो आज हम बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला तैयार कर जिससे हम डिहाइड्रेटेड होने से बच पाएँ। तो सबसे पहले हम रिहाइड्रेशन के लिए फॉर्मूला जो बनाएंगे उसमें हमें वाटर लेना है 1 लीटर। 1 लीटर का वाटर लेने के बाद हमें जो कॉमन सॉल्ट लेना है उसकी मात्रा है 3.5 ग्राम्स। कॉमन सॉल्ट है हमारा 3.5 ग्राम्स। ये पूरा फॉर्मूला हमें 1 लीटर वाटर में ही बनाना है। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड 1.50 ग्राम्स, इसकी मात्रा है। उसके बाद है सोडियम सिट्रेट, इसकी मात्रा है 2.09 ग्राम्स। उसके बाद है ग्लूकोज, इसकी मात्रा है 20 ग्राम्स। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो हमारा रिहाइड्रेशन के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, सॉल्यूशन होता है उसकी। अगर हम मार्केट पेड ORS की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप उसके पैकेट पे देखेंगे। बस ज़रूरी नहीं कि हमें हमारे घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। हमारे घर में पानी अवेलेबल है, सॉल्ट अवेलेबल है, बल बाकी की चीज़ों का क्या, वो नहीं अवेलेबल होती। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से। जैसे ग्लूकोज की जगह हम शुगर ले सकते हैं, हमारे घर में शुगर अवेलेबल है, हम शुगर लेंगे। और जो हमारी पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट है तो उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे इसको नींबू से। आधा साइज, जितना हम क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से आधा नींबू ले सकते हैं। अगर नींबू बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको पूरा 1 नींबू का जूस हम निकाल सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को हम नींबू से रिप्लेस करेंगे और ग्लूकोज को हम शुगर से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा जो रिहाइड्रेशन के लिए सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। इसको हम डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी के हिसाब से लेना है कि अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस है तो हमें दिन में 2 से 3 बार लेना है। अगर हाँ, हम बाहर अभी गर्मी से होके आए तो हाँ, दिन में 1 बार ले लेना है हमें इसको। और हमेशा ये चीज़ें कैरी रखें अपने पास। अगर घर में है तो आप बना सकते हैं, अगर घर में नहीं है, आप बाहर हैं तो एक सिंपल से एक ORS का पैकेट खरीद लीजिए, अपने पास रखिए। तो जब भी आपको वीकनेस लगे, आपको लगे कि आपको लू लग गई है, तो आप इसको अपने बोतल में पानी में डाल सकते हैं और पीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।